नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सिविल वन जीरो वन में मेरा नाम है संदीप कैसे हैं आप सभी लोग अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर दोस्तों अब तक हम पढ़ चुके हैं वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग ये हम पहले पढ़ चुके हैं उससे पहले हम पढ़ चुके हैं रॉ वाटर सप्लाई तो जो वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग था वहां पर हमने बात की थी कि जो फ्रेश वाटर है या जो हमारे घर तक या जो लोकेलिटीज तक जो पानी आता है उसके बारे में हमने जाना और अब एनवायरमेंट इंजीनियरिंग टू के अंदर हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर यहाँ बात करते हैं हम वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मतलब जो भी एनवायरमेंट से हम वेस्ट जनरेट कर रहे हैं जो भी अनवांटेड चीजें हैं अनवांटेड क्या है कि अगर हम घर के अंदर हमने पानी यूज किया तो पानी वेस्ट वाटर हो गया आप. अब उस वेस्ट वाटर का क्या करेंगे हम यहाँ पर इसके बारे में पढ़ते हैं आप अगर इंडस्ट्रीज के अंदर अगर काम कर रहे हैं इंडस्ट्रीज के अंदर अगर कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कोई ना कोई उसके बाय प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनेंगे वेस्ट बनेगा उसका कैसे मैनेजमेंट हम करने वाले हैं चाहे डोमेस्टिक की बात हो चाहे वहाँ की बात हो जो सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको हम कैसे हैंडल करेंगे एयर को जो हम पॉल्यूट कर रहे हैं उसके बारे में क्या उसको उसको मतलब हम कैसे हैंडल करेंगे जिससे एनवायरनमेंट हमारा जो है वो खराब ना हो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो अब तक वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग वाला पार्ट हम कवर कर चुके हैं अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिए और अब जो हम शुरू कर रहे हैं दैट इज़ ऑल अबाउट कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है लिक्विड वेस्ट की बात हम ऑलरेडी कर चुके सीवेज की बात हम ऑलरेडी कर चुके और अब बात करेंगे यहां पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की चलिए दोस्तों जैसा आप सभी को पता है कि अन अकेडमी जो है इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने ड्रीम एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं इसके लिए दोस्तों अभी जो है एस एस जेई का आपको पता है कल पेपर वन का जो है रिजल्ट भी आ गया है ट्वेंटी ट्वेंटी का आई होप आपने चेक कर लिया होगा और पेपर टू के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसके लिए आज हम बात करेंगे दोस्तों कि कैसे आगे प्रोसीड करने वाले हैं इस सेशन के बाद एक अलग सेशन में बात करेंगे और साथ ही साथ में दोस्तों आप हाईवे इंजीनियरिंग जो है वो नया सब्जेक्ट अभी अन अकेडमी पर हमने शुरू किया है वो आप पढ़ सकते हैं उसको पढ़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है अन अकेडमी के ऐप के ऊपर यहाँ पे आपको कोर्स दिख जाएगा अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है नहीं है तो आप अगर सब्सक्रिप्शन है तो आपको एनरोल बटन दिखेगा सब्सक्रिप्शन नहीं है तो गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है फिर ड्यूरेशन सेलेक्ट, सेलेक्ट करनी है उसके बाद आपको कोड यूज करना है संदीप डबल जैसे ही संदीप डबल आप यूज करेंगे आपको टेन परसेंट ऑफ भी मिलेगा और साथ ही साथ में आपको एक्सेस मिलेगा अनअकेडमी प्लेटफॉर्म पर थ्रू आउट द कैटेगरी आप किसी भी एजुकेटर की कोई भी क्लास आप देख सकते हैं बात करते हैं दोस्तों सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की एनवायरमेंट इंजीनियरिंग टू के अंदर बहुत ही छोटा सा और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है जो आसानी से आप रिलेट कर पाएंगे जो आसानी से आप समझ पाएंगे इतना कुछ इसके अंदर ओके नाउ इट्स फाइन नहीं आज शाम को क्लास नहीं होगी आज सिर्फ सुबह क्लास है शाम को क्लास आज नहीं है चलिए तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर हम क्या बोलते हैं सॉलिड वेस्ट क्या होते हैं सॉलिड वेस्ट जो भी आप चाहे डोमेस्टिक पर्पज से चाहे इंडस्ट्री पर्पज से जो भी सॉलिड फॉर्म में वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको कैसे हैंडल करना है आप अगर घर के अंदर जो भी आप घर में सॉलिड वेस्ट क्या जनरेट होगा घर के अंदर सॉलिड वेस्ट के अंदर आप कहेंगे जब सफाई की या डस्टिंग की तो उससे जो कचरा निकलता है डस्ट जो निकलती है वो आपके लिए सॉलिड वेस्ट हो जाएगा आपने कुछ बर्न कर दिया कुछ जला दिया तो उसके बाद जो राख बन जाती है ऐश बन जाती है वो क्या हो गया सॉलिड वेस्ट हो गया आपके लिए सब्जियां जो है वो काटी तो उनका जो भी वेस्ट जनरेट हो के आ रहा है वो आपके लिए क्या हो गया सॉलिड वेस्ट हो गया आपने कुछ भी पैकेजिंग मटेरियल खरीदा कोई भी स्नैक्स खरीदे तो उसका जो भी रैपर है जो भी प्लास्टिक्स है वो क्या हो गया सॉलिड वेस्ट हो गया तो आप घर के अंदर ही अगर हम बात करें डोमेस्टिक एरिया के अंदर ही अगर हम देखें तो बहुत सारा सॉलिड वेस्ट हमारा जनरेट होता है यहां पर जो हम डस्टबिन के अंदर जो भी हम पुट अप करते हैं वो सारा जनरली क्या है सॉलिड वेस्ट या डस्टबिन के अंदर जो भी चीजें हम डाल देते हैं तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा इसके बारे में बात करते हैं तो सॉलिड वेस्ट को हमने तीन तरीके से कैटेगराइज कर दिया तीन तरीके से कैटेगराइज कैसे किया एक तो म्युनिसिपल वेस्ट एक इंडस्ट्रियल और एक वेस्ट। सिंपल से सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब तक जो पूछा गया वो ये कि टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट क्या क्या है तो तीन टाइप होते हैं म्यूनिसिपल इंडस्ट्रियल और हजारडस जो है ये आपके तीन टाइप होते हैं म्यूनिसिपल वेस्ट की बात करें तो कुछ भी वेस्ट है जो काम का नहीं है वो क्या है रिफ्यूज है जो चीज काम की नहीं है वो क्या है रिफ्यूज है रिफ्यूज तो की अगर हम बात करें तो म्यूनिसिपल मतलब डोमेस्टिक वाले में बात कर रहे हैं हम हमारे घर के दायरे में आप आसपास अपने नजर डालेंगे अगर तो इसमें क्या क्या चीजें रिफ्यूज होती हैं जो काम की नहीं होती हैं आपके तो सबसे पहले आता आता है आता है ऐश ऐश का मतलब हो गया जो चीज जल चुकी है राख हो चुकी है जो चीज तो वो क्या है ऐश है तो ऐशिज तो हो गए आपके पास फिर आता है गार्बेज आता है तो गार्बेज के अंदर हम क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं गार्बेज के अंदर जो भी सड़ने वाली चीजें होती हैं आप ऐसे कह लीजिए यहाँ पर जो डीकम्पोज हो सकता है कोई भी खाना है कल रात का जो खाना पड़ा है या फिर जो मतलब कल सुबह का हो गया है तो वो जो खराब हो चुका है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो बिल्कुल खराब हो चुके हैं कोई भी डेड एंड डिकेइंग मैटर जो आपके पास है प्यूट्रीशियबल मतलब जो सड़ सकता है सड़ने वाला कुछ भी अगर है मटीरियल वो सारा किस में आ जाता है गार्बेज के अंदर आ जाता है और रबिश की अगर हम बात करें तो रबिश के अंदर हम क्या बोलते हैं जो ड्राई वेस्ट होता है ड्राई वेस्ट जो सड़ेगा नहीं जैसे पेपर के टुकड़े हो गए आपके पास कोई फर्नीचर जो है ब्रोकन फर्नीचर वो हो गया तो ऐसी चीज जो कि जलती नहीं है जन, सॉरी जनरली जो जल सकती है ज्वलनशील हो सकती है और सॉल ड्राई होगी वो वो क्या होगी ड्राई होगी चलिए तो बात करते हैं रिफ्यूज का मतलब होता है कोई भी ऐसा वेस्ट जो मतलब आपका काम का नहीं है और रिफ्यूज में जनरली रिफ्यूज के अंदर जो भी हमारे डोमेस्टिक क्योंकि म्यूनिसिपल की बात कर रहे हैं म्यूनिसिपल वेस्ट की बात हो रही है यहाँ पर तो इस वेस्ट के अंदर आपको उसको ऐसे वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए कोई खास सावधानियां बरतने की आपको जरूरत नहीं है जैसे एक हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल का जो भी वेस्ट होगा उस हॉस्पिटल के वेस्ट को कलेक्ट करना और उसको डिस्पोज ऑफ करना या उसको ट्रीट करना है तो ट्रीट करना इसमें बहुत ज़्यादा आपको सावधानियां बरतनी चाहिए क्यों क्योंकि वो हजारडस वेस्ट है वहां पर वहां पर जो है ऐसा वेस्ट है जो रिएक्ट कर सकता है जिसके अंदर बैक्टीरियाज हैं जो इन्फेक्टेड है तो वो आपका नुकसानदायक हो सकता है लेकिन यहाँ पे इन जनरल अगर रिफ्यूज की बात करें तो रिफ्यूज़ हमारा क्या है म्यूनिसिपल वेस्ट जो है या फिर आपका डोमेस्टिक जो वेस्ट है उसमें जो भी हमारे काम की चीज़ नहीं है वो क्या है रिफ्यूज है गार्बेज कम्प्राइज ऑफ आइटम्स डेट आर हाईली डी जो बहुत ज़्यादा डी हो जल्दी से डीकम्पोज हो जाए चलिए तो अब इसके अंदर बात करते हैं नेक्स्ट गार्बेज जो आपके पास आता है गार्बेज जो सड़ सकती है जो चीजें रबिश जो ड्राई वेस्ट होता है ड्राई वेस्ट ऐसा वेस्ट जो सड़ता नहीं है जैसे मान लीजिए आप पेपर के पीसेस हो गए या फिर कोई वुडन फर्नीचर हो गया ये सारे प्लास्टिक हो गए कुछ भी ऐसा ऐशिज जो जल नहीं सकता जो ऑलरेडी जल चुका है एश की अगर हम बात करें तो वो आ जाएगा आपके पास यहाँ पर चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रीज के अंदर जो वेस्ट जनरेट हुआ इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल वेस्ट दो प्रकार का हो सकता है ऐसा जो हजारडस है अब हजारडस क्या होता है नेक्स्ट इसमें बात करते हैं या नॉन हजार्डस है तो हजारडस या नॉन हजार्डस डिपेंड करता है किस टाइप की इंडस्ट्री है जिस टाइप की इंडस्ट्री है उस टाइप का वहां पर जो भी वेस्ट जनरेट होगा उसके अकॉर्डिंग हम वहां पर देखने वाले हैं जैसा कि आप सभी को पता है पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री जो है वो सबसे ज्यादा वेस्ट जनरेट करती है जस्ट इन इंडस्ट्री टू तो इंडस्ट्री वो वेरी करने वाला है और अब बात करें अगर हम हजार्डस वेस्ट, की, तो हजार्डस वेस्ट के लिए एक ट्रिक है हजार्डस वेस्ट क्या होता है इसको याद करने की क्या है एक ट्रिक है क्या ट्रिक है कोई भी ऐसी चीज जो कि टॉक्सिक हो जो कि टॉक्सिक हो जहरीली हो रिएक्ट कर सकती हो रिएक्टिविटी है उसके अंदर जल सकती है ज्वलनशील हो इग्निशिएबल है जिसके भी कांटेक्ट में है उसको खराब कर सकती है कोरोजन क्रिएट कर सकती है कोरोजिव है वो तो ऐसे के लिए हम क्या बोलते हैं वो हजारडस है कोई भी ऐसी चीज जो टॉक्सिक है रिएक्टिव है इग्निशियबल है है उसको हम क्या बोलते हैं हजार बोलते हैं तो एज पर रिसोर्स कंजर्वेशन एंड रिकवरी एक्ट 1976 ऑफ यूएसए द वेस्ट इज द वन विच कॉजे एनी वन ऑफ द फोर करेक्टरिस्टिक इनमें से इन चारों में से कुछ भी एक भी अगर प्रेजेंट है तो हम क्या बोलते हैं कि वो हजारडस वेस्ट है टॉक्सिक हो रिएक्टिव हो इग्निशियबल हो रोजिव हो क्या क्या इंडस्ट्रीज हैं कुछ इंडस्ट्रीज के एग्जांपल अगर हम देखें तो सीमेंट या जो केमिकल्स के अंदर तो बोलने की जरूरत ही नहीं है केमिकल इंडस्ट्री पेट्रोलियम इंडस्ट्री फर्टिलाइजर्स या फिर जो जहां पर आपका फेरस या जो जैसे आयरन जहां पर यूज होता है ऑब्वियसली तो वहां पर कोरोजिविटी होगी ही होगी गार्बेज क्या डीकम्पोज हो जाता है जल्दी गार्बेज आप दो दिन डस्टबिन बंद करके देख लो डस्टबिन को खोलना मत कुछ दिन जो भी सब्जियों के छिलके हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स के छिलके हैं उसमें डाल के डस्टबिन को कर दो बंद उसके बाद आप देख लेना नेक्स्ट डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट सॉलिड वेस्ट को कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाए कैसे उसे ठिकाने लगाया जाए कि वो एनवायरमेंट के लिए नुकसानदायक नहीं बने पहली तरीका सिंपल तरीका क्या है कि कोई भी खाली जगह दिख रही है वहां पे फेंक दो जैसा कि लोग अक्सर कर देते हैं कि हाँ आपका घर जहां पे है साइड में घर है साइड में घर है पीछे कोई घर नहीं है खाली प्लॉट है छत पे गए लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए ओपन डंपिंग कहीं पे भी आसपास आप देखते होंगे कुछ एरिया ऐसे होते ही हैं डेफिनेटली जहां पे पूरी लोकेलिटी के आसपास एक ऐसी जगह होती है जहां पे हर कोई आके कचरा फेंक जाता है ठीक है कहने को वहां पर जो है वो पब्लिक डस्टबिन या वो लगे होते हैं लेकिन उसके आसपास ही वो चीजें पड़ी रहती है ओपनली वो कचरा फैल रहता है वहां फैला रहता है वहां पर तो ओपन डंपिंग जो है वो अलाउड नहीं होती है नहीं करनी चाहिए सैनिटरी लैंडफिल कंपोस्टिंग पल्वराइजेशन इंसरेशन और पायरो आपके पास ओपन डंपिंग मैथड सिंपल है कोई ज्यादा इंजीनियरिंग इसमें लगाने की जरूरत नहीं है पूरी सिटी से जहां से भी शहर से कचरा है वो निकालो और आप एक ऐसी जगह पे चले जाओ मतलब शहर से थोड़ा दूर उस लोकैलिटी में जाके ओपनली उस कचरे को डंप कर दो ओपनली उसको वहां पे जाके फेंक दो तो ये बात सही नहीं है ओपन एरिया के अंदर होगा एनवायरमेंट को एक्सपोज होगा तो वहां पे वो क्या होगा बीमारियां फैलाएगा वो जो वेस्ट है वो अगर रिएक्ट कर रहा है तो वो रिएक्ट करेगा उस वेस्ट का डिकम्पोजिशन हो रहा है तो डिकम्पोजिशन होगा गैसेज रिलीज हो रही है फ्लाइज आ रही हैं मॉस्किटोज आ रहे हैं जो भी सारी चीजें जो है बीमारियां वहां फैलने का पूरा एनवायरमेंट जो है वो बन जाता है तो इसीलिए इसको अडॉप्ट नहीं किया जाता इसीलिए इसको फेवर जो है नहीं किया जाता ये एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है इसलिए हम नहीं करते बहुत बुरी स्मेल आती है आपको भी पता है आपने अगर अक्सर आप कहीं से भी गुजरे होंगे जहां पे बहुत सारा सॉलिड वेस्ट या जो आपका लिक्विड वेस्ट ओपनली डंप कर रखा है तो वो वहां का एनवायरमेंट पूरा खराब कर देता है क्या हो जाता है उससे ऑबनोक्शियस स्मेल obnoxious मतलब बहुत ही गंदी स्मेल जो है वो आती है एंड इज ब्रीडिंग प्लेस फॉर फ्लाइज एंड मॉस्किटोज फ्लाइज और मॉस्किटोज जो हैं वो वहां पर ग्रो करने लग जाते हैं उसके बाद आता है दोस्तों सैनिटरी लैंड फिलिंग सैनिटरी लैंड फिलिंग का मतलब है कि आप जो है जमीन के अंदर उसको गाड़ दीजिए जमीन के अंदर आप उसको कैसे गाड़ देंगे कि आप जो भी वेस्ट है उसको करो कॉम्पैक्ट उसको कॉम्पैक्ट कर दो 30 से लेके साठ सेंटीमीटर की लेयर्स के अंदर तीस से लेके साठ सेंटीमीटर की लेयर्स के अंदर उसको कॉम्पैक्ट करके -कर और उसके बाद जब डेप्थ ऑफ फिलिंग 1.5 मीटर बन जाए व्हेन डेप्थ ऑफ़ फिलिंग बिकम्स 1.5 मीटर उसके बाद अर्थ की लेयर लगा दो अब मतलब क्या हुआ कि आप 30 से 60 साठ सेंटीमीटर 3 टू 60 सेंटीमीटर की लेयर लो बनाते रहो कॉम्पैक्ट कर करके एक लेयर बन गई फिर उसके बाद और बेस डाला दूसरी तीस से साठ सेंटीमीटर की लेयर ली उसको कॉम्पैक्ट कर लिया यहां पर इतना कॉम्पैक्ट करके इतना बना लिया और जब 1.5 मीटर ओवरऑल उसकी थिकनेस हो जाए डेप्थ ऑफ फिलिंग जब 1.5 हो जाए तब उसको आप क्या करो मिट्टी से कवर कर दो मिट्टी की एक लेयर जो है 15 से 30 सेंटीमीटर की वो डाल दो और उसके बाद इस तरीके से आप प्रोसेस जो है वो रिपीट करते रहो बिफोर डंपिंग द सेकेंड लेयर कॉम्पैक्शन इज डन बाई बुलडोजर ट्रग्स एक्सेट्रा उसके बाद दूसरी लेयर जो है वो डालने से पहले आप पहले वाले को कॉम्पैक्ट कर दें द फील्ड रिफ्यूज गेट्साइज ड्यू टू डीशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम धीरे धीरे जो वेस्ट है वो अपने आप डीकम्पोज हो जाएगा और वहां पर सेटल हो जाएगा नेक्स्ट बात करते हैं एडवांटेज की एडवांटेज कोई खास ट्रीटमेंट्स नहीं किए यहाँ पर सिंपल है इकोनॉमिकल है और इसमें वेस्ट को आप अलग अलग नहीं कर रहे हैं सेपरेट नहीं कर रहे हैं सेपरेशन ऑफ डिफरेंट काइंड सारा कचरा एक साथ जैसा भी है उसके अंदर सब गया तो सबको आपने एक साथ डाल दिया अब उसके बाद कोई और डिस्पोजल नहीं करना उसके बाद खत्म हो गया वहां पे काम ओल्ड क्वेरी पिट्स जहां से आपने स्टोन निकाल रखे हैं पहले से आपने वहां पर मान लीजिए स्टोन जहां से निकाल के ले आ चुके आप तो वो क्वेरी बन गई खदान बन गई वहां पर खाली जो है पिट है बड़े बड़े गड्ढे हैं उनको भर दीजिए वहां पर आप डाल दीजिए उसको डिसएडवांटेज क्या है डंपिंग साइट आपको पता है आज के समय अगर ऐसी जगह सिटीज में सबसे ज्यादा कचरा जनरेट होगा आपको भी पता है ये चीज सिटीज में सबसे ज्यादा अगर इतना वेस्ट जनरेट हो रहा है उस वेस्ट को अगर डिकम्पोज करना है आपको या फिर उसको डंप करना है तो जगह चाहिए और जगह आपको पता है कि मतलब कितनी ज्यादा अवेलेबिलिटी की और कितनी ज्यादा मतलब जगह महंगी है अगर सिटीज की बात करें तो ऐसी साइट स्पेशली डंपिंग के लिए ढूंढ पाना पॉसिबल नहीं है कंटिन्यूस जनरेशन ऑफ फाउल गैसेस अब जहां पर भी डंप करेंगे तो कुछ ना कुछ सॉइल के पोर्स के अंदर से फाउल गैसेस जो हैं वो निकल के बाहर आएंगी ही आएंगी और वो एनवायरमेंट को खराब कर सकते हैं और क्या हो सकता है इसके अंदर अगर बारिश आ गई बारिश आ गई मान लीजिए तो पानी जाएगा सॉइल के अंदर सॉइल के अंदर पानी जाएगा ये टॉप लेयर थी मान लीजिए यहाँ पर तो सॉइल थी फिर नीचे यहाँ पर आपने ये अलग अलग लेयर्स जो हैं वेस्ट की वो डाल रखी हैं वेस्ट की अलग अलग लेयर्स हैं अब जब पानी आएगा पानी यहाँ से नीचे जाएगा फिर और नीचे जाएगा फिर और नीचे जाएगा, जाएगा ग्राउंड वाटर टेबल तक जाएगा तो वहां पर उसको खराब कर सकता है अगर ऐसी सिचुएशन है कि अगर ग्राउंड वाटर टेबल थोड़ी सी ऊंची है पानी परकोलेट करके वहां तक जा सकता है यहाँ पर तो मूवमेंट ऑफ गैसेज जो हैं वो आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं गैस ऊपर मूव करके ना आए उसके लिए यहाँ पर सीलेंट जो है उनको एड कर दो कि गैसेज जो है वो मूव करके ना आए तो ये हो सकता है और क्ले का इस्तेमाल कर सकते हो आप क्ले जो है कॉम्पैक्टेड क्ले इज कॉमनली यूज्ड चलो नेक्स्ट कंपोस्टिंग की बात करते हैं कंपोस्टिंग क्या होता है कंपोस्टिंग जो है कंपोस्टिंग ऑफ रिफ्यूज इज अ बायोलॉजिकल मेथड ऑफ डीकंपोजिंग सॉलिड वेस्ट कंपोस्टिंग ऑफ रिफ्यूज क्या है बायोलॉजिकल मेथड है बायोलॉजिकल मेथड का मतलब यहां पर फिर से बात आ जाएगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो यहां पर रोल में आ जाएंगे इफ द ऑर्गेनिक मटेरियल्स इन एक्सक्लूडिंग प्लास्टिक लेदर एंड रबर आर सेपरेटेड फ्रॉम सॉलिड वेस्ट सॉलिड वेस्ट में से प्लास्टिक को हटाना है लेदर को रबर को इनको हटाना है और फिर वो जो ऑर्गेनिक वेस्ट बच गया जो भी ऑर्गेनिक मेटीरियल हैं उनमें से प्लास्टिक को हटा दो लेदर को हटा दो रबर को हटा दो इनको हटाने के बाद आप क्या करोगे जो सॉलिड वेस्ट है उसको डिकम्पोज करेंगे डीकम्पोजिशन करेंगे उसका चाहे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन की एब्सेंस में हम उसको क्या करेंगे डीकम्पोज करेंगे और उससे जो आपका यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है उसे आप क्या बोलते हो कंपोस्ट बोलते हो या ह्यूमस बोलते हो जो भी आप जैसे अगर यूज करते हैं ना कंपोस्ट खाद की हम बात करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर यूज होती है तो वो क्या होता है डी कंपोस्ड ऑर्गेनिक वेस्ट ही तो होता है डी कंपोस्ड ऑर्गेनिक वेस्ट होता है चाहे हम बात करें जो एनिमल्स का जो वेस्ट होता है या काउडंग जो होता है उसका यूज करके बनाते हैं तो आप क्या कर रहे हैं डीकम्पोज कर रहे हैं वेस्ट को और उससे क्या बना रहे हैं यहाँ पर कंपोस्ट या फिर ह्यूमस जो है वो आप बना रहे हैं द एंटायर प्रोसेस इन्वॉल्विंग बोथ सेपरेशन एंड बैक्टीरियल कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट इज नोन एज कम्पोस्टिंग एक सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि कंपोस्ट क्या है कंपोस्ट है ऑर्गेनिक वेस्ट को डीकम्पोज किया है ऑर्गेनिक वेस्ट का मतलब डेड एंडिकेट मैटर हो सकता है प्लांट्स एंड एनिमल्स का कुछ भी मैटीरियल जो है ऑर्गेनिक वेस्ट ऑर्गेनिक वेस्ट को डीकम्पोज करेंगे तो कम्पोस्ट यहां पर हमें मिल रहा है अब कंपोस्टिंग के अंदर जो है कार्बन नाइट्रोजन रेशो क्या यूज है इसका बैक्टीरिया जो होता है जो उसको डिकम्पोज करेगा बैक्टीरिया को चाहिए क्या नाइट्रोजन चाहिए वहां पर नाइट्रोजन चाहिए किसके लिए फॉर बिल्डिंग देयर सेल स्ट्रक्चर एंड कार्बन फॉर फूड सेल को बनाने के लिए नाइट्रोजन फूड के लिए कार्बन और ये जो कार्बन नाइट्रोजन का रेशो है ये किससे किसके बीच में होना चाहिए तीस से पचास के बीच में थर्टी टू फिफ्टी के बीच में होना चाहिए ताकि वो उस ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज कर पाए प्रॉपरली अब इसके दो मेथड हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन की एब्सेंस में दो मेथड हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप डीकम्पोज करवा रहे हैं ऑक्सीजन की एब्सेंस में एक बात आती है इंदौर की एक बात आती है बेंगलोर की इंदौर के बारे में सुना जाता है कि इंदौर जो है वो बहुत ही मतलब साफ सुथरा शहर है अच्छा है क्लीन सिटी है क्लीन सिटी है मतलब अच्छी ऑक्सीजन होगी वहां पर तो ऑक्सीजन आ गया यहाँ पर बेंगलोर की बात करें तो बेंगलोर के अंदर गूगल मैप्स भी आपको बोल देता है कि गाड़ी से उतर जाओ पैदल चले जाओ जल्दी पहुंच जाओगे तो क्या है वहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है ट्रैफिक है तो पॉल्यूशन है पॉल्यूशन है तो ऑक्सीजन बहुत कम होगी वहां पर तो इसीलिए ऑक्सीजन की में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपको यहां पर ये दो मेथड जो है आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे यही पूछता है ऑब्जेक्टिव में आपसे क्या पूछता है ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि कंपोस्टिंग का कौन सा मेथड है या फिर ऐसे पूछ लेगा इंदोर मेथड जो है उसके अंदर क्या होता है एरोबिक डी होता है या एन एरो होता है तो इंदोर मेथड के अंदर हम डीकोज करवाते हैं ऑक्सीजन की, है की और यहाँ पर हम क्या करते रहते हैं उन घुमाते रहेंगे जो भी वेस्ट है आपका जो डीकम्पोज हो रहा है उसके अंदर कंटिन्यूसली हम उन लेयर्स को रहेंगे घुमाते रहेंगे ताकि ऑक्सीजन मिलती रहे और जो भी वेस्ट का डीकम्पोजिशन हो रहा है वो एरोबिक कंडीशन में हो यहाँ पर और लगभग लगभग इसका प्रोसेस होता है दो से तीन महीने तक उस वेस्ट को हम डिकम्पोज करवाते हैं बेंगलोर मेथड के अंदर हम क्या करते हैं एक गड्ढा खोद लेंगे उसके अंदर उस वेस्ट को जो है हम यहाँ पर डाल देंगे उस ट्रेंच के अंदर हम उसको डाल देंगे और उसको एक सॉइल की लेयर से जो है वो हम कवर कर देंगे और इस प्रकार से कवर कर देंगे कि वहां पर ऑक्सीजन उसको ना मिल पाए जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ऑक्सीजन की एबसेंस में यहां पर वो वेस्ट जो है वो डिकम्पोज होगा सो इन दिस इज इज एंड रिफ्यूज द ट्रेंच जो भी रिफ्यूज है वेस्ट है इसको डंप कर दिया उसके ऊपर एक soil की लेयर जो है वो वापस लगा दी पंद्रह सेंटीमीटर की जिससे कि एन एरोबिक कंडीशन हो जाए ऑक्सीजन यहां पर ना जाए मिनिमम डेप्थ ऑफ ट्रेंच ये कम से कम जो डेप्थ होनी चाहिए ये 1.5 मीटर कम से कम होनी चाहिए कंसिडरेबल हीट इज इवॉल्व इन द प्रोसेस दैट किल्स एंड प्रिवेंट्स the breeding of flies and mosquitoes this method is widely adopted हां जी शुक्रिया तो आपको बस इतना याद रखना है कंपोस्टिंग के दो मेथड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो एन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो एरोबिक जो कि है इंदौर मेथड एब्सेंस में एनरोबिक जो कि है हमारा बेंगलोर मेथड उसके बाद आता है दोस्तों पल्वराइजेशन पल्वराइजेशन का मतलब होता है क्या कर देना कूट देना पीस देना एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में उसको कर देना तो पल्वराइज करने का मतलब क्या है उसका रिफ्यूज जो है उसको ग्राइंडिंग मशीन में छोटा छोटा क्या कर देंगे पीसिस में छोटे छोटे पीसिस के अंदर हम उसको डिवाइड कर देंगे क्यों कर देंगे ताकि उसका ओवरऑल जो है वॉल्यूम रिड्यूस हो जाए फिर उसके बाद हम उसको डिकम्पोज कर देंगे चाहे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या चाहे ऑक्सीजन की एबसेंस में हो इंसनरेशन और पायरोलिसिस क्या है इनसेनरेशन का मतलब तो है कि आप उसको इनसेनरेट करने का मतलब है इनसेनरेशन का मतलब है कि बर्न कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं वेस्ट को बर्न कर रहे हैं अब बर्न करने के आपके पास दो तरीके हैं एक तो क्या होगा आपके पास किसी चीज को बस आप डायरेक्टली उसको आग लगा दो जैसे पेपर है पेपर को आप क्या करोगे अगर आप आग लगा दोगे या पेपर को मैच स्टिक से आप कर दो लाइट कर दो उसको जला दो जब आप उसको जलाओगे तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा आग जलेगी हीट प्रोड्यूस होगी वहां से एक चीज तो ये हो गई दूसरा क्या हो गया जैसे हम वुड की बात करते हैं या टार बनाने की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं उसको हीट प्रोवाइड करते रहो इतनी हीट प्रोवाइड कर दो उसको डायरेक्टली फायर मत दो आग मत दो उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि वो क्या हो जाए बाद में कन्वर्ट हो जाए टार में तो इसी प्रकार से यहां पर इंसिनरेशन और पायरोलिसिस है तो इसके अंदर हम क्या करते हैं बर्न कर रहे हैं सॉलिड वेस्ट को इंसिनरेशन में हम क्या कर रहे हैं बर्न कर रहे हैं इट इज दीटमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट ऑक्सीजन एंड हीट इज सप्लाइड सो दटेनिक वेस्ट है आपका यहाँ पर अब ऑर्गेनिक वेस्ट ऐसे तो है नहीं की इनऑर्गेनिक मटीरियल्स की तरह अगर ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो इतना जल्दी बर्न नहीं होगा बाकी जो आपके जो भी फ्यूज होते हैं जितने जल्दी बर्न कर जाते हैं तो उतना जल्दी ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो ब, आपका जलेगा नहीं उसके लिए हम क्या प्रोवाइड करेंगे ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे और हीट हम खुद प्रोवाइड कर रहे हैं हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको यहां पर तो इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी ऑर्डर और डस्ट कोई उससे स्मेल नहीं आएगी उसके जलाने से या फिर कोई डस्ट नहीं प्रोड्यूस होगी लेकिन महंगा प्रोसेस है इंसनरेशन में आप खुद जला रहे हैं खुद ऑक्सीजन दे रहे हैं हीट दे रहे हैं पायरोलिसिस की अगर आप बात करेंगे तो पायरोलिसिस में आप क्या कह रहे हैं ऑक्सीजन की एबसेंस में उसको जला रहे हैं या जैसे हम डिस्टिलेशन करते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड की बात करते हैं बचपन में हमने पढ़ा है तो वही चीज यहां पे कर रहे हैं ऑक्सीजन की एब्सेंस में उसको बस हीट कर रहे हैं टेम्परेचर दे रहे हैं तो पायरोलिसिस के अंदर हम क्या कर रहे हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस है पायरोलिसिस के अंदर हम क्या कर रहे हैं एंडोथर्मिक यानी कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो जबकि इनसेनरेशन एक्सोथर्मिक है इनसेनरेशन में कोई भी चीज जलेगी तो वो बाद में एनर्जी रिलीज करेगी यहां पर तो एक्सोथर्मिक हो गया आपका इंसनरेशन क्योंकि वो जल के एनर्जी प्रोवाइड करेगा और पायरोलिसिस जो है वो एंडोथर्मिक हो गया ये बेसिक साइन के बीच में डिफरेंस है एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन की बात की जाए एयर पॉल्यूशन पे आते हैं एनवायरनमेंट खत्म कर लेते हैं ठीक है एयर पॉल्यूशन पे बात करते हैं एयर पॉल्यूशन क्या होता है कुछ भी एयर के अंदर अनवांटेड सब्सटेंस अगर आ गया तो वो क्या है एयर पॉल्यूशन है बाकी सारी कहानियाँ जो है पढ़ने की कोई खास मतलब नहीं आपको पता है एयर पॉल्यूशन से क्या होता है एयर पॉल्यूशन से सांस लेने में प्रॉब्लम होगी हवा के अंदर जो ऑक्सीजन है वो हमें चाहिए लेकिन उतनी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी बाकी सारे जो भी गैसेज हैं वो भी जाएंगी जिनके कारण लंग्स जो हैं उनको नुकसान पहुंचेगा <k newcomers> लंग्स को नुकसान पहुंचेगा बॉडी में ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जाएगी लंग्स प्रॉपरली काम नहीं करेंगे ऑक्सीजन प्रॉपरली जो है वो बॉडी को मिलेगी नहीं ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो सारा काम जो है धीरे धीरे हमारा चाहे डाइजेशन सिस्टम है चाहे हमारी बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ है सेल का जो बनना है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ऐसा तो है नहीं कि एक सेल एक बार बन गया तो बन गया नए सेल्स बनते रहते हैं पुराने डेड होते रहते हैं तो ये प्रोसेस ओवरऑल चलता रहता है तभी तो हमारी बॉडी जो है इतना इतना चेंज होती है हर साल से अगले साल हमारा इतना चेंजेस जो नज़र आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं इन्हीं सब वजह से तो धीरे धीरे पूरा ओवरऑल जो है हमारी बॉडी को इम्पेक्ट कर देगा आप अगर देख रहे हैं हवा के अंदर क्लैरिटी नहीं दिखेगी दिखने में अच्छा नहीं लगेगा आंखें जलने लग जाएंगी स्किन में इरिटेशन होने लग जाएगी अगर मान लीजिए जैसे भी जैसे भी एयर का कांटेक्ट आपके साथ आ रहा है वो सारे तरीके से वो नुकसान पहुंचाने लग जाएगी हवा के अंदर बहुत ज्यादा अगर गैस प्रेजेंट है एसिड रेन क्रिएट कर देंगी वो वहां पर तो ये सारे इश्यूज हो जाएंगे अब चाहे उससे ह्यूमन को चाहे एनिमल्स को चाहे प्लांट्स वेजिटेशन को सबको नुकसान पहुंचना शुरू हो जाएगा अब एयर पॉल्यूशन के क्या क्या सोर्स हो सकते हैं सोर्स क्या है क्लासिफिकेशन क्या है सोर्स की बात करें अगर हम तो सोर्सिस के अंदर नेचुरल हो सकते हैं नेचुरल कंटेमिनेट के अंदर क्या आएंगे फॉग हो सकती है बैक्टीरिया हो सकता है वोल्केनिक इरप्शन वोल्केनो कहीं पर इरप्ट हुआ अगर तो उसके कारण जो है वहां पर जो डस्ट होगी या फिर उसके जो पार्टिकल्स होंगे गैसेस होंगे उनके कारण एनवायरमेंट जो है वो पोल्यूट हो जाएगा एरोसोल्स का मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल बहुत छोटे पार्टिकल जैसे डस्ट होती है अगर आप देखते हैं आपने एकदम सफाई की एकदम अच्छे से रूम जो है वो क्लीन कर लिया आपका थोड़ी देर बाद फिर भी आप अगर देखेंगे अपने टेबल के ऊपर बुक्स के ऊपर लैपटॉप फोन के ऊपर छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको नजर आ जाएंगे तो वो क्या होंगे डस्ट होगी या फिर वो पार्टिकुलेट्स मैटर जो है वो प्रेजेंट होगा इसके अलावा डस्ट हो गया स्मोक हो गया मिस्ट हो गया फॉग या फ्यूम्स जो होती हैं वो आ जाती हैं आपकी आवाज फ्यूम्स जो है यहाँ पर बहुत ही फाइनर पार्टिकल्स जो हैं वो आपको नजर आएंगे लिक्विड के गैसेस की बात करें तो गैसेस एंड वेपर्स इनके कारण जो है वो हो सकता है एरोसोलस को फर्दर और आगे क्लासिफाई करें अगर डिटेल में हम देखें तो क्या-क्या होते हैं एरोसोलस के अंदर तो एरोसोल का मतलब है सॉलिड या लिक्विड के पार्टिकल जो कि बहुत छोटे साइज के हैं एरोसोल का मतलब जैसे डस्ट है तो डस्ट है तो सॉलिड ही लेकिन पार्टिकल बहुत छोटा है इतना छोटा है कि वो हवा के अंदर घूम रहा है एयर के अंदर वो घूम रहा है यहां पर तो सॉलिड के पार्टिकल हो या लिक्विड के पार्टिकल्स हो तो उसे हम क्या बोलते हैं एरोसोल बोलते हैं जैसे मान लीजिए आप जो डिओड्रेंट होता है अगर आप वो यूज करते हैं तो उसके अंदर जो पार्टिकल निकल रहा है वो तो क्या है उसके अंदर बहुत छोटे छोटे लिक्विड के पार्टिकल भी होते हैं लिक्विड के पार्टिकल जो है वो क्या है एरोसोल है एक तरीके से तो डस्ट हो गया आपका यहाँ पर इट इज प्रोड्यूस बाय क्रशिंग ग्राइंडिंग ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल मटीरियल इनका साइज एक से लेके हजार माइक्रोन के बीच में होता है पांच माइक्रोन जो है तो लेस और उसमें छोटे -छोटे तैरते हुए दिख रहे हैं हवा के अंदर तो वो क्या पार्टिकल्स हैं वो एरोसोल्स हैं वो डस्ट है आपके यहां पर जिसका साइज पांच माइक्रोन से छोटा है तभी तो सेटल नहीं हो रहे हैं वो पार्टिकल्स ग्राउंड के ऊपर सेटल नहीं होंगे बहुत छोटे पार्टिकल्स स्मोक की बात करें तो स्मोक क्या होगा <coughs> स्मोक कुछ भी जल रहा है उससे जो धुआं निकल रहा है कुछ भी जला उससे जो धुआं निकला अब धुएं के अंदर जो आपको क्या दिखाई देते हैं जो पार्टिकल्स दिखते हैं जो प्रॉपरली बर्न नहीं हो पाया मान लीजिए सर्दियों के अंदर आप बैठे हैं लकड़ियां जला के बॉन फायर कर रहे हैं आप वहां पर तो उसके अंदर जो धुआं निकलता है उस धुएं के अंदर वो जो लकड़ी का वो पार्टिकल या कोल जो आपने यूज किया वो जो कंप्लीटली बर्न नहीं हो पाया वो कंप्लीटली बर्न नहीं हो पाया वो वहां पर स्मोक की फॉर्म जो है ले रहा है वहां पर तो स्मोक के अंदर क्या होगा इट इज फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल प्रोड्यूस इनकम्प्लीट कंबशन अच्छे से वो जला नहीं उसके कारण ये स्मोक क्रिएट हो रही है. पार्टिकल का साइज होगा पॉइंट से एक माइक्रोन के बीच में उसके बाद आती है मिस्ट मिस्ट का मतलब क्या है कि वाटर के ड्रॉपलेट बहुत ही छोटे छोटे 10 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल पानी के ड्रॉपलेट तो वाटर के बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स दस माइक्रोन से छोटे जो होते हैं 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 वो क्या कहलाते हैं? हैं, मिस्ट कहलाते मिस्ट मिस्ट फिर आती है है फॉग अगर मिस्ट का बहुत ज्यादा हो जाता है, पानी के जो पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे पार्टिकल बहुत ज्यादा हो जाते हैं जो आपको सर्दियों में जो दिखाई देती है धुंध दिखाई देती है उसे हम क्या बोल देते हैं उसे बोल देते हैं फॉग बोल देते हैं हम यहां पर तो मिस्ट कंसेंट्रेशन जब बहुत ज्यादा हाई हो जाती है जिसके कारण विजिबिलिटी का मतलब रुकावट बन जाती है विजिबिलिटी दिखता नहीं है वहां पर तो इसे क्या बोलते हैं फॉग बोल देते हैं फ्यूम क्या होता है छोटे छोटे फाइन सॉलिड पार्टिकल जनरेटेड कंडेंसेशन ऑफ स्टेट स्टेट थी वो सॉलिडिफाई हो गई यहां पर और फिर वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं तो उसे हम क्या बोलते है? Fumes है. हैं फ्यूम्स कहते हैं इन्हें हम क्या बोलेंगे फ्यूम कहेंगे अब क्या क्या गैसेज होती हैं इनके बारे में बात करें सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड अब बेसिक सी चीजें हैं इनके बारे में जो अब तक हम पढ़ते आए हैं ना वही चीज बस आपको यहां पर दोबारा देख रहे हैं आप सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो जब भी आप सल्फर कंटेनिंग कोई भी फ्यूल्स हैं चाहे कोल है ऑयल है पेट्रोलियम है उनको अगर आप बर्न कर रहे हैं तो उनसे आपको क्या मिलेगा यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये रिलीज होती है कोल बर्निंग पावर प्लांट्स सबसे मेन सोर्स होते हैं कोल बर्निंग जो पावर प्लांट्स हैं इनसे आपको सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है वन ऑफ द मेजर कॉम्पोनेट्स ऑफ एसिड रेन सी बात है ऑब्बियस भी हमें पता है रिएक्ट करेगी एसिड इससे प्रोड्यूस हो जाता है वेन इनहेल्ड कैन बी वेरी क्रोजिव टू लंग टिश्यूज हमारे लंग जो हैं उनको ये बहुत नुकसान पहुंचाता है सल्फर डाइऑक्साइड अगर हम इनहेल करते हैं तो हाइड्रोजन सल्फाइड इतनी देर से बात करते आ रहे हैं फाउल स्मेलिंग गैस होती है एन एरो डीकम्पोजिशन में वहाँ पर बनती है एरेशन से इसको हटाते हैं हम तो फाउल स्मेलिंग गैसेज होती है एन एरोबिक बायोलॉजिकल डीकम्पोजिशन से क्रिएट होती हैं वोल्कैनो से नेचुरल वाटर स्प्रिंग जो होते हैं वहां से भी ये रिलीज होती है मेजर इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस एच एस आर पेपर एंड पल्प वहां से ये प्रोड्यूस होती है फिर आता है हाइड्रोजन फ्लोराइड हाइड्रोजन फ्लोराइड जो भी आपके फर्टिलाइजर इंडस्ट्री होती है या जो फोस्फेट फर्टिलाइजर होते हैं वहां से जनरेट होता है एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज ब्रिक प्लांट्स एटसेट्रा ये प्लांट्स को ज्यादा डैमेज पहुंचाती है हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो प्लांट्स को ज्यादा नुकसान पहुंचाती है एज कंपेयर टू एनिमल्स उसके बाद आते हैं दोस्तों नाइट्रोजन के ऑक्साइड नाइट्रोजन के ऑक्साइड में अगर हम बात करें तो क्या नाइट्रोजन के सारे ऑक्साइड क्या नाइट्रोजन के सारे ऑक्साइड नुकसानदायक है नहीं है क्या नाइट्रोजन के सारे ऑक्साइड्स नुकसानदायक है नहीं है क्या नाइट्रोजन के सारे ऑक्साइड्स हार्मफुल हैं नो क्या सारे पॉल्यूटेंट हैं नो दो बार बोला नो तो नो और नो टू आपके पास ये दो जो हैं नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये दो जो है वो पॉल्यूटेंट्स होते हैं तो नो और नो टू याद रखो नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये दो ऑक्साइड जो होते हैं नाइट्रोजन के ये पॉल्यूटेंट होते हैं बाकी नहीं होते सात ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है या ऑटोमोबाइल इंजन जो आपका है वो मेन सोर्स होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाने के लिए दे आर द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एयर पॉल्यूटेंट आफ्टर सल्फर डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड है उसके बाद नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं नेक्स्ट इंडस्ट्रीज़ से भी नाइट्रिक एसिड जो है होता है यूज़ होता वहां पे ये प्रोड्यूस होगा कार्बन मोनोक्साइड की बात करें तो इसके बारे में तो बचपन से आप सुनते आ रहे हैं कि कुछ भी ऐसे जल रहा है आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि कुछ लोग जो है वो सर्दियों में रात को अंगीठी जला के सोए थे एक रूम के अंदर रूम बंद था तो सुबह तक उनकी डेथ हो गई क्यों डेथ हो गई क्योंकि इनकम्प्लीट कम्बेशन हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड बनी कार्बन मोनोऑक्साइड ने हीमोग्लोबिन जो है उसके अंदर वो अटैच हो गई ऑक्सीजन मिल नहीं पाई बॉडी को जिसके कारण डेथ हो गई यहां पर तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक मटीरियल कोल वुड ट्रैश कुछ भी कचरा जलाया आपने ऑटोमोबाइल जो है वो बिगेस्ट सोर्स है टॉक्सिक होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है और ऑक्सीजन नहीं आने देगा ब्लड के अंदर नॉट अ परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट ऑक्सीजन के साथ मिलके ये कार्बन डाइऑक्साइड बना लेती है लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा ये कार्बन मोनोऑक्साइड सीओ की फॉर्म में ही ये रहता है उसके बाद आते हैं दोस्तों प्राइमरी और सेकेंडरी अब जाग जाओ यहां पर मुझे पता है काफी देर से कहानियां चल रही हैं थोड़ा सा जाग जाओ यहां से क्वेश्चन आते हैं देखो क्वेश्चन आए हुए हैं इनमें से कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट है ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं डिटेल्स नहीं पूछेगा आपसे आपसे इतनी लेकिन ऑब्जेक्टिव में इतना पूछ लेता है प्राइमरी कौन सा सेकेंडरी कौन सा तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए और यही शॉर्ट नोट्स में आप लिखेंगे यहाँ पर तो प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट में क्या आते हैं दैट मटीरियल रिलीज पोज हेल्थ रिस्क इन देर अनमोडिफाइड फॉर्म मॉडिफाई नहीं हुआ है किसी और कंपाउंड के साथ वो मिले नहीं है अपने ओरिजिनल फॉर्म में प्रेजेंट है तो उन्हें प्राइमरी बोलेंगे सेकेंडरी के अंदर क्या आ जाएंगे वो दूसरे के साथ किसी दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने के बाद या सनलाइट के साथ इंटरेक्ट करने के बाद नेचुरल गैसेस के साथ इंटरैक्ट करने के बाद एक और नया हार्मफुल कंपाउंड बना देते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं सेकेंडरी प्राइमरी ऐसा सबस्टांस या ऐसा पॉल्यूटेंट जो खुद अपने आप में एक पॉल्यूटेंट है सेकेंडरी दो अलग अलग पॉल्यूटेंट मिल गए या एक पॉल्यूटेंट किसी और चीज के साथ मिल गया जैसे सनलाइट नुकसानदायक नहीं हमारे लिए लेकिन उसकी प्रेजेंस में वो फर्दर क्या हो गया यहाँ पर सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट बना लेता है तो प्राइमरी के अंदर आपके पास जो है पांच मेजर एयर पॉल्यूटेंट है याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन मोनॉक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन मोनॉक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन के ऑक्साइड हाइड्रोकार्बन और पार्टिकुलेट मैटर ये प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है कार्बन मोनोक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सॉरी हाइड्रोकार्बन पार्टिकुलेट मैटर कार्बन मोनोऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन के ऑक्साइड हाइड्रोकार्बन और पार्टिकुलेट मैटर सेकेंडरी की अगर हम बात करें तो इसमें ओजोन आता है आपके पास हाईली रिएक्टिव होता है ये कंपोज्ड ऑफ थ्री ऑक्सीजन एटम ये नेचुरल भी है और मैनमेड प्रोडक्ट भी है जो अर्थ के अपर एटमोसफियर के अंदर एग्जिस्ट करता है ये एयर पोल्यूटेंट है हमें बचाता जरूर है ये एयर जो सन की हार्मफुल रेज जो होती हैं उनसे बचाता जरूर है लेकिन ये भी एक एयर पॉल्यूटेंट है ओजोन इज हाइली रिएक्टिव गैस कंपोज ऑफ थ्री ऑक्सीजन एटम बोथ नेचुरल एंड मैनमेड फिर आते हैं परॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट फोटोकेमिकल स्मॉग एरोसोल्स एंड मिस्ट्स वट इज स्मॉग स्मॉग जो है दो टाइप की होती है एक फोटोकेमिकल होती है एक कोल इंड्यूस्ड होती है अगर बचपन से जो हम पढ़ते जा रहे हैं जिसे हम बोलते थे मॉडर्न स्मोक या ट्रैफिक स्मोक बचपन में हमने क्या पढ़ा था ये पढ़ा था मॉडर्न स्मोक पढ़ा था या ट्रैफिक स्मोक पढ़ा था इसमें क्या होता है कि जो भी व्हीकल से जो भी आपकी ट्रैफिक है ट्रैफिक से जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है जो, जो निकल रही हैं उनकी वहां पर वो गैसेज हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में जो है वो क्या बना देती हैं स्मॉग बना देती हैं या एनवायरमेंट के अंदर जो मेटी जो पार्टिकुलेट मैटर हो गया या वाटर के जो ड्रॉपलेट्स हो गई फॉग जो हो गई उनके साथ मिलकर क्या कर देगी यहाँ पर स्मॉग बना देती है तो ये मॉडर्न स्मॉग या फिर ट्रैफिक स्मॉग हम बोलते हैं इसको और

फोटोकेमिकल स्मॉग बनाते हैं जो कि क्या होता है हमारे लिए एक एयर पॉल्यूटेंट है यहाँ पर इसके कारण क्या होगा विजिबिलिटी देखने में प्रॉब्लम आएगी आंखों में इरिटेशन होगी यहां पर और डैमेज टू वेजिटेशन क्रैकिंग ऑफ रबर एटसेट्रा ये हो जाएगा कोल इंड्यूज स्मोक ऑफ स्मोक सल्फर कंपाउंड्स एटसेट्रा तो कोल से जो बनी हुई स्मोग होगी कोल इंड्यूस्ड स्मोक जो होगी उसके अंदर फ्लाई ऐश होगी सल्फर होगा या फिर और अदर कंपाउंड होंगे नेक्स्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स आप सभी को पता है एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर आप अपने एरिया का आज गूगल करेंगे अभी आप सर्च कर लीजिए व्हाट इज द एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ दिल्ली जयपुर बेंगलोर इंदौर जहां का भी आप सर्च करेंगे कोलकाता तो आपके पास एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो आ जाएगा बहुत जगह सिटीज के अंदर जो है वो स्क्रीन लगी हुई होती है कि वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखता रहता है उस पर ऐसे नीचे टाइटल्स भी आते रहते हैं कि हाँ इट्स टाइम टू डू योगा इन एयर तो इन फ्रेश एयर तो ऐसे करके मतलब वो एयर क्वालिटी इंडेक्स को बताते रहते हैं कि हाँ अभी एयर जो है वो कैसी चल रही है यहाँ पर जीरो टू फिफ्टी के बीच में होती है ए क्यू आई की वैल्यू यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की वैल्यू तो आप कहते हो एयर क्वालिटी जो है वो गुड है किससे सिम्बलाइज करते हो ग्रीन कलर से फिफ्टी वन टू हंड्रेड मॉडरेट है येलो से एक सौ एक से एक सौ पचास तो अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स जो एजड लोग हैं या फिर जो बच्चे हैं या बीमार हैं उनके लिए जो है अनहेल्दी है ऑरेंज से डिनोट करेंगे 151 से 200 है तो अनहेल्दी रेड से डिनोट करेंगे 201 से 300 है तो वेरी अनहेल्दी पर्पल से और 301 से 500 है तो हजारडस है बहुत ही खतरनाक है मरून कलर दिख जाएगा अभी अगर मैं यहाँ की बात करूं तो वो 164 दिखा रहा है पी 2.5 सबसे मेन एयर पॉल्यूटेंट है एज ऑफ नाउ तो मतलब अनहेल्दी है अभी रेड कंडीशन चल रही है क्लियर नहीं दिख रहा है क्लियर देख लो दोस्त चलो उसके बाद बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन के अंदर जो है हमारी हेल्थ के ऊपर जो है नुकसान पहुंचता है एयर पॉल्यूट जो एयर पॉल्यूशन है उसके कारण क्या क्या नुकसान पहुंच सकता है सिंपल से सिंपल सांस ले रहे हैं सांस ले रहे हैं तो हमारे जो अगर आप नोज से बात करें तो यहाँ पर जो भी पूरी ट्रैक है या फिर जहां से भी जो भी आपके विंड पाइप है जहां से हवा जा रही है एयर जा रही है तो वो उसके अंदर की जो मैम्ब्रेन होती हैं वो कैसी होती है म्यूकस होती हैं या फिर आप ऐसे कह लीजिए सेंसिटिव होती हैं उनमें जलन फील होने लग जाएगी उनको नुकसान वो पहुंचाने लग जाएगी लंग्स में जाएगी तो वहां पर लंग्स के अंदर जो टिश्यूज़ हैं उनको खराब कर देगी वहां पर उससे धीरे धीरे आगे फर्दर और बॉडी के अंदर इश्यूज जो हैं वो आने शुरू हो जाएंगे जिसमें पलम जो पल्मोनरी या जो लंग से रिलेटेड कार्डियक हार्ट से रिलेटेड वैस्कुलर न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट्स ये सारी क्रिएट कर देती हैं सीधी सी बात है दोस्तों ऑक्सीजन जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है आप अगर कैसे भी देखते हैं जैसे लोग बोलते हैं कि अगर ब्लड बॉडी को प्रॉपर्ली नहीं मिल पाता है अगर बॉडी को प्रॉपर्ली ब्लड नहीं मिल पाएगा ब्लड प्रॉपरली ब्रेन तक नहीं जा पाएगा ब्रेन में भी अगर आप कह लीजिए कि ब्लड नहीं जा रहा ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं है तो धीरे धीरे ये जो आपका ब्रेन सारी जो आपकी न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल कर रहा है उससे ही क्या हो जाता है ये सारा काम इफेक्ट हो जाता है आपने देखा होगा अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है तो आप बाद में मतलब ऐसे सुना होगा आपने कि वो इंसान कोमा में चला गया क्यों चला जाता है कि ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई बॉडी में ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई तो उसके बाद उसकी फंक्शनिंग जो है वो इम्पैक्ट होगी ज्यादा ब्लड लॉस की वजह से जो है कई बार ये होता है कि मान लीजिए बॉडी के कुछ पार्ट जो है वो वर्क नहीं कर रहे हैं तो ये सारे रीजन जो है हो जाते हैं ऑक्सीजन जो है सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है आपको पता है कि वो हमें चाहिए चाहिए अब बात करें द हेल्थ इफेक्ट्स में ग्रेटली वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकते हैं या हेल्थ इफेक्ट्स आपको चिल्ड्रेन आर एट ग्रेटर जनरली मोर एक्टिव आउटडोर लंगस आर स्टिल डेवलपिंग उनको ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है बच्चों को बूढ़ों को या फिर जो बीमार होते हैं उनको एक्सपोजर टू एयर पॉल्यूशन कैन कोज बहुत अक्यूट एंड क्रॉनिक शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी यहां पर हो सकते हैं ह्यूमन हेल्थ इफेक्ट्स की बात करें एक्यूट इफेक्ट्स टॉपिक तो छोटा सा बचा है चलो एयर पॉल्यूशन जो है कल स्टार्ट करेंगे अभी के लिए इतना बहुत है यहां से एयर क्वालिटी इंडेक्स के बाद इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन या जो बात करते हैं छोटे छोटी बातें हैं ये इनको कल डिस्कस करेंगे आगे इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन क्या है या इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ये कल की क्लास में डिस्कस करेंगे अभी के लिए इतना ही थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ओके बाय बाय